हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्टडी प्लस पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स से रिलेटेड एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करेंगे तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा मैथ्स का जो आपको टफ लगे। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं बचेगा, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, जिसमें आप 90% से ज़्यादा स्कोर ना कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक परसेंटेज। हम परसेंटेज को शॉर्टकट मेथड से समझेंगे और किसी भी टॉपिक को हम शॉर्टकट से समझेंगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगाएंगे। तो बेसिकली परसेंटेज होता क्या है? एक अगर जैसे 100% है, वो टोटलिटी में 1 होता है। हम कुछ रेशियोज को याद करेंगे, हमें याद नहीं करना है, बस एक बार समझना है उन्हें। जो 100% है वो 1 के बराबर होता है। कैसे निकाला हमने इसको? 100/100 इज इक्वल टू 1, ये हमारा वही 1 है। ऐसे ही जो 50% है वो हमारा है 1/2, और फिर उसके बाद में हम बाकी रेशियोज ऐसे ही बना लेते हैं। ये सिर्फ ये आपको याद नहीं करना, ये आपको ऑटोमेटिकली याद होगा, और आप अगले क्वेश्चंस में देखिएगा कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। 33 1/3%, 1/3, 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज इक्वल टू 20%, 1/6 इज इक्वल टू 16, 2/3%, 1/7 इज इक्वल टू 14, 2/7%, 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, 1/9 इज इक्वल टू 11, 1/9%, 1/10 इज इक्वल टू 10%, 1/11 इज इक्वल टू 9, 1/11%, 1/12 इज इक्वल टू 8, 1/3%, 1/20 इज इक्वल टू 5%, 1/25 इज इक्वल टू 4%। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा वीडियो को पॉज करें और इसको थोड़ा लिख लें अपनी कॉपी पर, एक निफियर कॉपी लें, उसमें इसको नोट डाउन करें इन रेशियोज को। और इसके अलावा बाकी के जो रेशियोज हैं वो भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि 37.5%, वो 12.5 × 3 के इक्वल होता है। तो फिर 12.5 का जो रेशियो था वो था 1/8, उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, और तो फिर 12.5 का जो रेशियो होता है 1/8, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3/8। ये 37.5 का रेशियो आ जाएगा। इसी हिसाब से अगर आपको 57/1/7 का अगर आपको निकालना है रेशियो, तो 15/1/7 जो होता है वो 14/2/7 × 4 के बराबर होता है। तो फिर 14/2/7 का रेशियो होता है 1/7, तो 15/1/7 का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/7 × 4 इज इक्वल टू 4/7। ये कुछ रेशियोज हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ सकें इसमें। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमारे टाइप वन के क्वेश्चंस हैं। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ देने पर वह संख्या 60 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? ऑन एडिंग 20% ऑफ द ओरिजिनल नंबर टू द नंबर, द नंबर बिकम्स 60, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? इसको हम चलिए इस तरीके से देखते हैं। 20% जो 20% होता है उसका रेशियो आता है 1/5। हो क्या रहा है? ये जो 5 है ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, और ये 1 वो नंबर है जो कि हम जोड़ रहे हैं। ये 20% है, ये 1, ये जो हम जोड़ रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा वो नंबर जो कि जोड़ने के बाद हमें मिल रहा है। ये जो 6 है वो है जोड़ने के बाद मिला हुआ नंबर। तो फिर इसमें कह रहे हैं कि अगर हम उसमें 20% जोड़ दें तो वो संख्या 60 हो जाती है, और इसके हिसाब से 20% हमने लगाया तो हमने 1/5, 20% का रेशियो होता है, 5 है ओरिजिनल नंबर, उसमें 1 हम जोड़ रहे हैं, 6 हो जा रही है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो 6 नहीं है, वो 60 है। ये जो 6 नहीं है, 60 है। 60 कितने गुना है? 10 गुना। और तो ओरिजिनल नंबर जो होगा वो भी 10 गुना हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 50। इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो जो हमारा 20% होता है उसका रेशियो होता है 1/5। हम 5 ऐड कर रहे हैं,
तो फिर वो 6 बन जा रहा है, जोड़ने के बाद हमें 6 मिल रहा है, वो 6 नहीं है 60 है, ये 10 गुना है, इंटू 10 टाइम्स है। ये हमने कैसे निकाला है, 60 अपॉन 6 करके 10 टाइम्स है ये, तो उसी हिसाब से ये 5 ना होकर के 50 होगा, वो 10 गुना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ देने पर वह संख्या 72 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? तो फिर हम देखते हैं जो 20% होता है वो होता है 1/5। उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर, इसमें हम 20% जोड़ दे रहे हैं, यानी 1 जोड़ दे रहे हैं, तो वो 6 हो जा रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो संख्या 72 हो जाती है, वो 6 नहीं है, वो 72 है, जो कि 72 अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 गुना है। तो फिर जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी होगा 5 × 12 इज इक्वल टू 60। तो फिर जैसे कि वो 6 ना होकर के 72 है, यानी कि 12 गुना है, तो वैसे ही वो 5 ना होकर के 60 होगा, यानी कि 12 गुना होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। किसी संख्या से उसका 57.5% घटाने पर वह संख्या 36 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? हमने देखा था कि 57 1/7% घटाने पर, हमने देखा था कि 57 1/7% जो होता है वो होता है 14 2/7 × 4 टाइम्स, यानी कि 14 2/7 × 4 इज इक्वल टू 57 1/7। अब जो 14 2/7 है उसका रेशियो होता है 1/7, तो 15 1/7 का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/7 × 4 इज इक्वल टू 4/7। ये हमारा रेशियो आ गया जिससे हम परसेंटेज सॉल्व कर सकते हैं, 4/7, ये हमारा वो रेशियो आ गया। इसमें अब है क्या, 7 जो है वो हमारा ओरिजिनल नंबर है इस रेशियो के हिसाब से, और कैश क्वेश्चन में कहा गया है कि उसमें से 57 1/7% घटाना है, यानी कि ये 4 जो है ये वो नंबर है जो घटाना है। तो जो रिजल्टेंट जो नंबर आएगा वो आएगा 7 − 4 इज इक्वल टू 3। ये 3 जो है वो नंबर है जो हमें घटाने के बाद मिला है, घटाने के बाद मिला हुआ नंबर है 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जो घटाने के बाद जो हमें नंबर मिल रहा है वो 3 नहीं मिल रहा है बल्कि 36 मिल रहा है। अब ये जो 36 है वो कितने गुना है, वो हमारा 12 गुना है, तो जो ओरिजिनल संख्या होगी वो भी 7 ना होकर के उसका 12 गुना होगी, यानी कि वो हमारा होगा 7 × 12 इज इक्वल टू 84, और 84 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या से उसका 57 1/7% घटाने पर वह संख्या 36 बचती है, तो मूल संख्या क्या होगी? हमने एक रेशियो बनाया था 57 1/7 जो होता है वो 14 2/7 × 4 के इक्वल होता है। 14 2/7 का रेशियो होता है 1/7, उसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 1/7 का रेशियो आएगा 4/7। अब जो 7 है वो हमारा ओरिजिनल नंबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें से 57 1/7 घटाना है, यानी कि 4 घटाना है, तो जो संख्या बच रही है वो 3 बच रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो संख्या 36 है, और जो 36 है वो 3 का 12 गुना है। उसी हिसाब से जो हमारा जो रिजल्टेंट नंबर, जो ओरिजिनल नंबर होगा वो 7 ना होकर के उसका 12 गुना यानी कि 84 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 37 1/2% 33 है, 37 1/2% जो होता है वो हमने पहले भी देखा था कि वो 12.5% × 3 होता है, और 12.5% का जो रेशियो है वो है 1/8। तो इस हिसाब से 37 1/2% का रेशियो होगा 1/8 × 3 इज इक्वल टू 3/8।
अब है क्या कि 37.5% जो है वो 33 है, तो फिर 3/8 जो है उसमें जो 3 है वो 33 है, ये कितने गुना है, ये 11 गुना है। तो फिर ये 8 ना हो करके 8 × 11 टाइम्स यानी 8 का 11 गुना होगा, 88 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। आप इस चीज़ को ज़रा एक बार खुद सॉल्व करके देखिए, क्योंकि जब तक मैथ्स का क्या है कि जब तक आप खुद पेपर पेन लेके नहीं बैठेंगे तब तक आप उसको नहीं समझ सकते, नहीं सीख सकते। आप वीडियो को पॉज करिए, ऐसे ही कुछ और सवाल लीजिए और उन्हें सॉल्व करिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है। एक बिल्डिंग के ठेकेदार के पास कुछ निश्चित मात्रा में तार है, उसमें से 10% चार तार चोरी हो गया और शेष का 70% बेच दिया गया। अब उसके पास 540 मीटर तार बचा, प्रारंभ में कितना तार था? एक बात तो क्लियर है, इस क्वेश्चन को देख के आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ठेकेदार बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी था, जिसमें इसका 10% चोरी हो गया, उसके बाद उसने उसका भी 70% बेच दिया। चलिए वो सब साइड में रखते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें है क्या, 10% तार जो है यहाँ पे कहा, जो 10% तार है वो चोरी हो गया है। अब जो 10% होता है वो 1/10 के इक्वल होता है, और उसके बाद में 70% तार बेच दिया गया है, जो 70% होगा वो 7/10 का रेशियो बनाएगा, यानी कि ओरिजिनल में पहले 10% तार था, उसमें से एक मतलब 10% ओरिजिनल में जितना 10 तार था, ये हम मानते हैं कि ये ओरिजिनल वायर था 10, उसमें से एक चोरी हो गया। ये एक क्या हुआ, ये चोरी हुआ है, तो फिर 9 तार बचा। उसके बाद अगले केस में क्या हो रहा है कि शेष में से 70% बेच दिया गया। इस रेशियो से आते हैं, इस वाले रेशियो से यहाँ आते हैं। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि 10 में से 70% बेच दिया गया, यानी कि 7%, 7 10 में से बेच दिया गया, तो बचा है हमारा 3। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे इन लोगों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 × 10 100, 9 × 3 27, यानी कि 100 तार ओरिजिनल में था और 27 बचा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 27 नहीं है, वो 540 है। कितने गुना हुआ, 540/27 इज इक्वल टू 20 टाइम्स, 20 गुना हुआ। तो जो हमारा ओरिजिनल जो तार था वो भी 100 × 20 इज इक्वल टू 2000 मीटर्स होगा। यही हमारा आंसर है। इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, रेशियो से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे किसी भी सवाल को सॉल्व करने में। इसमें स्टार्टिंग में 10% तार चोरी हो रहा है, तो फिर हमने 10% का रेशियो बनाया है 1/10, हमने वही किया है, 10 में से एक चोरी हुआ और 9 बचा। सेकंड में क्या हो रहा है कि 70% बेच दिया गया है, यानी कि वही हमने करा है, 10 में से 7 बेच दिया गया, 3 बचा। उसके बाद हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लिया, 10 × 10 100, ऐसे ही 9 × 3 27, और हमारा यानी कि 27 हमारा बचा है 100 में से, लेकिन वो 27 नहीं है हमारा, 27 ना होकर के 540 है, जो कि 20 गुना है। उसी हिसाब से जो हमारा ओरिजिनल है वो 100 ना होकर के उसका 20 गुना यानी कि 2000 मीटर होगा। यही हमारा आंसर है। आप इस सवाल को खुद करिए, जब तक आप खुद नहीं करेंगे पेपर पेन लेके ही मैथ्स होता है, ओरली मैथ्स नहीं होता। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन पूरा दूध से भरा है, 10% दूध निकाल कर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः 10% मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तथा ये क्रम एक बार और होता है। तीसरे क्रम के अंत में बर्तन में दूध व पानी का रेशियो बताइए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने बहुत देखा होगा एग्जाम्स में, तो पहले आप इसको अपने तरीके से करिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए, अपने तरीके से करिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए 10% जो हमारा 10% है वो इक्वल होता है 1/10 के, तो हो क्या रहा है, हम 10%
दूध में मतलब 10% टोटल जो है दूध, उसमें से एक निकाल दे रहे हैं और 9 बच रहा है। और ऐसा हम एक बार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसा 3 बार कर रहे हैं कि पहली बार में 10% दूध में से मतलब 10% निकाल रहे हैं मिश्रण, और फिर उसमें पानी मिला रहे हैं उतना ही, यानी 10 में से 1 निकाल करके 9 बचा रहे हैं। दूसरी बार में भी यही कर रहे हैं, 10 में से 1 निकाल करके 9 बचा रहे हैं। और तीसरे क्रम में भी यही कर रहे हैं कि 10 में से तीसरे क्रम में भी यही कर रहे हैं कि 10 में से 1 निकाल करके 9 बचा रहे हैं। आप लोग थोड़ा अगर आपको कोई क्वेरी आ रही हो मन में, तो आप उसे सॉल्व करके देखो। हम करके एक बार मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। जो 10% इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% दूध निकाल कर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। 10% होता है 1/10 के। जो 10 है वो हमारा ओरिजिनल है, उसमें से हम 1 निकाल रहे हैं और फिर बचेगा कितना, 9 बचेगा। यानी कि 10 में से हम 1 निकाल रहे हैं, 9 बच रहा है। और ऐसा हम पहली बार करते हैं, फिर दूसरी बार करते हैं, फिर तीसरी बार करते हैं। तो आखिर में हम होता क्या है कि 10 × 10 × 10 यानी कि 1000, ये हमारा ओरिजिनल है, 1000 में से बचता कितना है, 9 × 9 × 9 यानी कि 729। यानी कि आखिर में जो रेशियो बचेगा वो 1000 और 729 का बचेगा। इसमें अगर ये देखें तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो किन चीज़ का है, ये है प्योर मिल्क का, और ये है वो दूध जो आखिर में बचा, आखिर में मिश्रण में बचा, क्योंकि हमने उसमें पानी मिला दिया था इसलिए वो मिश्रण बन गया था। तो अगर आपको मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, टोटल तो ये है, टोटल टोटल मिक्सचर भी कह सकते हैं आप इसको, तो हो जाएगा वो 729 upon 1000 - 729 इज इक्वल टू 729 upon 271। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 3 बार बेईमानी कर रहे हैं, यानी 3 बार 10-10% दूध निकाल के उसे पानी से बदल रहे हैं। पहली बार में हम 10 में से 1 निकालते हैं, 9 बचता है। दूसरी बार में भी हम 10 में से 1 निकालते हैं, 9 बचता है। तीसरी बार में भी 10 में से 1 निकालते हैं, 9 बचता है। आखिर में हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ओरिजिनल 1000 था, 1000 प्योर मिल्क था, या फिर 1000 वो टोटल मिक्सचर था, उसमें हम मिला बदल बदल के हम उसमें आखिर में 729 पानी ही दूध ही छोड़ते हैं। और हमसे पूछा गया था दूध और पानी का रेशियो, तो दूध और पानी का रेशियो आखिर में हमारा दूध कितना बचा, 729, टोटल कितना आए 1000, तो पानी कितना होगा, 1000 - 729। तो हमारा जो रेशियो है वो है 729 upon 271, और यही हमारा आंसर है। चलिए फिर आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं क्लास को, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें एक आपके लिए क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा, वो भी इसी से रिलेटेड है, इजी है। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और सॉल्व करिए। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से बदल दिया गया, पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसे पानी से बदल दिया गया, तथा ये क्रम एक बार फिर दोहराया गया, तो तीसरे क्रम के अंत में बर्तन में दूध कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लगाइए, में लिख दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक करिएगा। और जो भी कमियाँ हो वो आप मुझे बताइएगा, जो अच्छा जो आपको अच्छा लगा वो बताइएगा, और इसको थोड़ा मुझे मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो फ्यूचर में भी मैं आपके लिए पूरी सीरीज़ ला सकता हूँ, और इसको कंप्लीट आपका मैथ्स कंप्लीट करवा सकता हूँ 3 महीनों के अंदर। 3 महीनों बाद आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा मैथ्स का जो रह जाए, जो बच जाए। चलिए ठीक है, और जाते जाते मैं आपसे आखिर में यही कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए,
और अगर आप पॉजिटिवली मैथ्स को अप्रोच करेंगे, उसे टफ ना मान करके उसे एक इजी शॉर्टकट तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच से सॉल्व करेंगे, तो आपके 90% मैथ्स किसी भी कंपटीशन का ज़रूर आप उसमें स्कोर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।